गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। इस दोहे का अर्थ कुछ ऐसा है कि आपके समक्ष गुरु और गोविंद अर्थात भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, तो आप उन दोनों में से सबसे पहले किसके पैर छुएंगे। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमसे कहते हैं कि जो हमारे भगवान हैं, जो गोविंद हैं, उनके अर्थ को, उनके स्थान को, उनके महत्व को बताने वाले हमारे गुरु ही हैं, जिन्होंने हमें यह बताया है कि भगवान कौन होते हैं, गोविंद कौन होते हैं, उनके हमारे जीवन में, हमारे इस समाज में कितनी क्या स्थान है और कितनी प्रतिष्ठा है और कितनी आवश्यकता है। अर्थात उन गोविंद से हमें रूबरू कराने वाले, उनके महत्व को हमारे जीवन से हमें आत्मसात करने वाले, उनके वैल्यू को बताने वाले कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु ही हैं। यदि ना वो ना होते तो हमें यह ना पता होता कि गुरु गोविंद जी कौन होते हैं और उनका हमारे जीवन में, इस समाज में कितना बड़ा महत्व है। तो अर्थात यदि आपके समक्ष गोविंद और गुरु दोनों खड़े हैं तो उनमें से आपके सबसे पहले चरण स्पर्श करना का कार्य जो है वह सिर्फ और सिर्फ गुरु का होगा, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें इस पूरे समाज में प्रत्येक चीज़ से अवगत कराया है, हमें ज्ञान दिया है, हमें शिक्षा दिया है और हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम गुरु के महत्व, गोविंद जी के महत्व को समझें और उन्हें कितनी आदर और कितना सम्मान देना है, वो हमारे जीवन में, इस समाज में कितने महत्वपूर्ण है, यह बताने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरु हैं। तो इसी प्रकार से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गोविंद के बारे में हमें जानकारी दी है, हमें यह नॉलेज दिया है कि वो इनका समाज में कितनी आवश्यकता है। तो इसीलिए इन दोनों में से यदि हमारे समक्ष दोनों जन खड़े हैं तो हम गुरु गोविंद जी से पहले गुरु जी के चरण को स्पर्श करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं इस दोहे का अर्थ आपको समझा पाई हूँ। यदि मैं ऐसा कर पाई हूँ तो कमेंट्स, यदि कोई भी सुधार की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।